श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा सरसों की फसल होती है और ऐसे में यहाँ के व्यापारी किसानों से औने पौने दामों में सरसों खरीदकर टैक्स चोरी करके ऊंचे दामों पर फसल बेचने में लगे हुए हैं। टैक्स चोरी की आशंका को देखते हुए वाणिज्य कर विभाग ने एक अभियान शुरू किया है, जिसमें विभाग की अलग अलग टीमों ने कार्रवाई करते हुए कुल 17 गाड़ियों में लदे माल की कर चोरी के संदेह में जांच की और जिसमें सामने आया कि 8 वाहन टैक्स चोरी की सरसों को दूसरे राज्यों में बेचने के लिए ले जा रहे थे। संयुक्त आयुक्त हरिराम लोहार ने बताया है कि प्रति कारा पंचवन शाखा को वाहन चेकिंग के निर्देश दिए गए थे और ऐसे में 8 गाड़ियों से कर चोरी के मामलों में जुर्माना वसूला गया है। तो सरसों में ये शिकायतें आ रही थी कि राजस्थान के बाहर गंगानगर और हनुमानगढ़ से पंजाब और हरियाणा सरसों दो नंबर में जा रही है, ऐसी सूचना मिली थी। बाकी वैसे रूटीन चेकिंग में हमारे अधिकारी एंटी विजन की टीम चेकिंग करते रहते हैं, लेकिन अभी अभियान के तौर पर ये चेकिंग की गई तो इन दोनों इस पखवाड़े में 8 ट्रक सरसों की मिली। टोटल 8 ट्रक में से 5 ट्रकों का निपटारा हो गया, जिसमें 4.5 लाख रुपये के अपने कर और जुर्माने की वसूली हुई। 3 ट्रक अभी खड़े हैं और इनमें कमी ये थी कि माल के साथ में बिल होना चाहिए और बिल के साथ में ई वे बिल होना।